सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के कार्यवाहक डीजीपी सहित कई प्रतिवादियों को दो सप्ताह के बाद अदालत में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। प्रकाश सिंह पर आए अदालत के फैसले के उल्लंघन को लेकर झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर कहा गया है कि अधिकारियों को एक पद पर कम से कम दो साल तैनात रखने का दिशा निर्देश सभी राज्यों को दिया गया है। झारखंड सरकार ने एक्टिंग डीजीपी नियुक्त कर दिया जो फैसले के अनुरूप नहीं है। मेरे साथ इस वक्त हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील अनूप कुमार, जिन्होंने इससे पहले भी झारखंड डीजीपी का केस लड़ चुके हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया है कोर्ट के अवहेलना के मामले में, क्या है ये मामला पूर्ण? देखिए, ये केस फाइल किया गया है डीजीपी के अपॉइंटमेंट को लेकर के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिनका भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, उन्होंने एक कंटेंट पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मैटर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था उसका अवहेलना है, इसलिए ये अपॉइंटमेंट गलत है और इसको रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डीजी और चीफ सेक्रेटरी को किया है और भी लोगों को? देखिए, ये आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में, कोर्ट नंबर 1 में ये आइटम नंबर 25 ये लगा हुआ था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पार्टी हैं और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो भी पार्टी हैं, तो उन लोगों को नोटिस गई है कि प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ था, उन गाइडलाइंस की अवहेलना हुई है। जैसे प्रकाश सिंह में ये बोला गया था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो अपॉइंटमेंट होगा तो जो अपॉइंटमेंट के लिए यूपीएससी एक पैनल तैयार करेगी, तीन ऑफिसर्स का, तीन आईपीएस का फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और वो पैनल भेजा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट उस पैनल में से अपने पसंद का किसी भी ऑफिसर को वो चुन सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट के लिए। लेकिन अगर एक बार स्टेट गवर्नमेंट ने चुन लिया तो उनका जो कार्यकाल होगा वो 2 साल का होगा, 2 साल से पहले आप उनको हटा नहीं सकते हैं। तो मेरी जानकारी में नीरज सिन्हा साहब थे, उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद फिर दूसरे डीजी को अपॉइंट किया गया और फिर उनका शायद कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है और फिर नए डीजी का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस गई है कि भाई आप बताएं कि क्यों हटाया गया या कोई भी कारण, क्या कारण है, अवहेलना हुई है, ये है मामला। ये थे अनूप कुमार जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।